हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 10, मिनरल्स, मिनरल रिसोर्सेज। मीन्स जो खनिज हैं उनके क्या सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके से खनिज हमें प्राप्त होते हैं। एंड द लर्निंग आउटकम्स आर मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, गिवन स्पेस में आपको क्या करना है, मिनरल्स के नेम लिखने हैं, जो भी मिनरल्स आपको पता है। यहाँ पे आप मिनरल्स के नेम लिख सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक मिनरल्स। देर आर मैनी रिसोर्सेज हिडन इनसाइड द अर्थ। मीन्स जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी सतह के नीचे क्या है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो क्या है, दबे हुए हैं या छुपे हुए हैं, जो हमें ऐसे डायरेक्टली हमें नहीं दिखते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। सच अंडरग्राउंड वेल्थ इज कॉल्ड मिनरल्स। जो अंडरग्राउंड है, मतलब जो जमीन की सतह के नीचे दबे हुए हैं, वो क्या है हमारे लिए, मिनरल्स हैं। जो मिनरल्स हमारे खनिज हैं, वो कई तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मीन्स जो भी मिनरल्स हैं, जो भी खनिज हैं, वो क्या है, वो किसी भी ह्यूमन बींग के विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि बिना किसी के इंटरफेयर किए हुए या बिना किसी के अवरोध, जिसे बोल सकते हैं कि बिना ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस के, बिना ही क्या होते हैं, नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक रूप से बनते हैं या फिर पैदा होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल बिहेवियर। जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ भौतिक तत्व की प्रॉपर्टी होती है। जैसे भौतिक प्रॉपर्टी क्या है, विशेषताएं क्या है, जैसे उनका कलर, रंग होगा, डेंसिटी, उनका घनत्व होगा। घनत्व का मीन्स जैसे वाटर होता है, उसकी डेंसिटी होती है। ग्लास में डालेंगे या कुछ किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी के शेप का हो जाएगा। हार्डनेस एंड केमिकल बिहेवियर, उनका केमिकल बिहेवियर कैसा है, मतलब केमिकल बिहेवियर क्या है, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, या किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी केमिकल के साथ या अनदर कंटेन जो चीज़ें हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, उस तरीके से। नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स। हमारे जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, तरह तरह के मिनरल्स हैं। सम मिनरल्स आर ऑल्सो टेकन आउट द सी बीड्स। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें समुद्र तट से मिलते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे या समुद्र के एरियाज में मिलते हैं, जो समुद्र के किनारे। एंड मिनरल्स आर ऑफन फाउंड मिक्स्ड विद रॉक्स। अ रॉक दैट कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड अ मिनरल ओर। क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, वो रॉक्स के साथ, यानी कि पत्थर चट्टानों के साथ मिक्स होते हैं, मिले हुए होते हैं एक तरीके से। दूसरा क्या है, जो रॉक्स हैं वो ज़्यादातर लार्ज अमाउंट में जो मिनरल्स को कंटेन करते हैं, उनको हम मिनरल ओर्स बोलते हैं। कुछ इस तरीके के आप देख सकते हैं कि रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, खनिज या रॉक्स, पत्थर, कई तरीके के पत्थर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिंग्स में भी ये लोग यूज़ करते हैं, जिसको, और मोती है, मोती तो यहाँ पे नहीं बात करेंगे क्योंकि मोती तो हमें कहीं और से ही मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो हम लोग कई बार रिंग्स में पहनते हैं, वो पत्थर भी हमें इसी की फॉर्म में मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, कॉस्टली होते हैं एंड इफ़ेक्टिव भी होते हैं। ये मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
डीप होल हैव टू बी डग टू टेक आउट दिस मिनरल्स। जो भी हम मिनरल्स देखते हैं या खनिज देखते हैं उनको क्या करना पड़ता है, गहरी खुदाई करनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है वो हमें मिलते हैं। एक तरीके से पिट या कुआं बोल सकते हैं, कुएं की तरह उन्हें खोदते हैं, तब जाके हमें विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वी कैन फाइंड आउट। दिस पिट्स आर कॉल्ड द माइंस। जो ये गड्ढे होते हैं या फिर जो कुएं खोदे जाते हैं उनको माइंस बोलते हैं। डिगिंग आउट मटेरियल ओर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। जो भी गड्ढे खोदे जाते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए या मिनरल ओर्स को निकालने के लिए, उनको माइनिंग्स बोलते हैं। एंड द मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। ये मैंने पहले भी बोला है कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मिनरल्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज सोर्स ऑफ पावर। कोल और पेट्रोलियम, जैसे कोयला और जो हम लोग पेट्रोल डीजल और भी कई सारे ईंधन का यूज़ करते हैं, वो क्या है, सारे हमारे लिए पावर के सोर्सेज हैं। जैसे क्या है, कोल आग जलाने के काम में आता है, पेट्रोलियम फ्यूल के तरह हम लोग यूज़ करते हैं बाइक्स में, अपने व्हीकल्स में, तो वो हमें क्या करता है, बहुत सारा काम हम इनसे करते हैं। मशीन का जो भी वर्क है वो हमें पेट्रोलियम के थ्रू ही हो पाता है। अगर हमें पेट्रोल डीजल प्रोवाइड ना कराया जाए तो क्या होगा, हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ द डे यूज। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, यानी कि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, यानी कि जिसको सिल्वर बोलते हैं, वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, डेली लाइफ के यूजेज, जैसे हमारे क्या है, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए, बर्तन वगैरह का जो हम काम करते हैं, या बर्तन में हम खाना बनाते हैं, और लोहे की कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, या हमें और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं डेली लाइफ में, तो हमें इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। वी नीड सीमेंट टू बिल्ड आवर हाउसेज। सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। सीमेंट किससे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है। अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज़ अ वेरी रिच इन मिनरल सोर्सेज लाइक आयरन, कोल, माइका एंड मैग्नीशियम। हमारी कंट्री में क्या है, ज़्यादा रिच अमाउंट में सोर्सेज कौन कौन से हैं, आयरन है, कोल है, माइका और मैग्नीशियम भी हमारे यहाँ हमारे देश में पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटो इज़ द लार्जेस्ट मिनरल रिच एरिया इन आवर कंट्री। जो छोटा नागपुर है वो फेमस है इस चीज़ के लिए। कुछ एग्जांपल्स बताएंगे किस तरीके से डग होता है। ये माइंस हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, खुदाई करने के बाद इनको फाउंड किया जाता है, तो इस तरीके से माइंस हैं ये, आप देख सकते हैं एरिया, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये माइंस इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ये इस तरीके से। कोल, बेसिकली कोल इस तरीके का ब्लैक होता है, बिल्कुल काला होता है, और ये इसको हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं और हीट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जहाँ पे हमें आग की जरूरत पड़ती है वहाँ हम इस कोल का यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम किस तरीके से, इस मशीन के थ्रू, इस तरीके से मशीन्स होती हैं जो क्या होता है, पेट्रोलियम को फाउंड करने के लिए, या पेट्रोलियम की मतलब पेट्रोलियम जहाँ पे फाउंड होता है उसको कैसे स्टोर किया जाता है, इन मशीन्स के थ्रू स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट यह है आयरन। आयरन बेसिकली देखिए, यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है, तो इस तरीके से आयरन की बहुत सारी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, और आयरन के जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं उसमें जब भी जो फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आयरन के यूटेंसिल्स भी बनते हैं, और भी हम अपने घर में ग्रिल है या फिर विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, इनमें भी हम आयरन का यूज़ करते हैं। कुछ मशीन्स हैं जो लोहे से बनी हुई हैं, देखिए इस तरीके से इंजन की फॉर्म में। कॉपर, कॉपर आप जानते हैं, तांबा, तांबे के बर्तन में बोलते हैं, पानी पिए तो ज़्यादा सेहत अच्छी रहती है, जो पाइप्स दिए हुए हैं तांबे के।
वायर्स, इस तरीके के वायर्स आपने देखे होंगे, तांबे के होते हैं, एंड एल्युमिनियम कुछ इस तरह का शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से हो जाएंगे। और सीमेंट बेसिकली क्या है, सीमेंट आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, सीमेंट से क्या होता है, हमारे जो ब्रिक्स होती हैं घर की जो नींव पड़ती है, या घर में हम लोग ईंट वगैरह से जो बनाते हैं घर, ठीक है, तो ईंट को जोड़ने के लिए हम सीमेंट का और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्या सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, कंक्रीट मटेरियल हो गया, तो ये सब क्या है, इसी से बनते हैं घर हमारे। लाइमस्टोन, मैग्नीशियम जो हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा फाउंड होता है, इस तरीके कुछ दिखने में होता है। स्टूडेंट इस सेशन में सिर्फ इतना ही डिस्कशन था, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, मींस नेक्स्ट पार्ट में। ये आपका पार्ट वन है चैप्टर 10 का। स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको मुझसे शेयर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आया हो। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।